हरियाणा में स्टेडियम का उद्घाटन किया गया। इस स्टेडियम का केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और प्रदेश भाजपा प्रभारी विपुल देव ने संयुक्त रूप से इसका उद्घाटन किया। गुरुग्राम के भाजपा उपाध्यक्ष और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन दिनेश शर्मा ने अपने दादा पंडित सुखपाल शर्मा के सपने को पूरा करने के लिए उनकी याद में स्टेडियम बनवाया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और प्रदेश भाजपा प्रभारी विप्लव देव ने संयुक्त रूप से किया उद्घाटन। हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन दिनेश शर्मा ने अपने दादा सुखपाल शर्मा की याद में बनाया स्टेडियम। बच्चों में खेल भावना को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा के खेडला गांव को खेल स्टेडियम समर्पित कर दिया गया है। गुरुग्राम के भाजपा उपाध्यक्ष और हरियाणा वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन के चेयरमैन दिनेश शर्मा ने अपने दादा पंडित सुखपाल शर्मा के सपने को पूरा करने के लिए उनकी याद में स्टेडियम बनवाया। स्टेडियम का औपचारिक उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और त्रिपुरा के पूर्व मुख्यमंत्री एवं प्रदेश भाजपा प्रभारी विप्लव देव द्वारा किया गया। इसके बाद हमारे आदरणीय मुख्य अतिथि श्री विप्लव देव जी का भाषण आप सबको सुनने को मिलेगा और बहुत ही प्रखर प्रवक्ता है ऐसा उनका जो वक्तव्य है वो वास्तव में। इस मौके पर खेड़ला में उमड़ी भारी भीड़ को संबोधित करते हुए चेयरमैन दिनेश शर्मा ने कहा कि वो खुद फुटबॉल के खिलाड़ी रहे हैं, उन्हें पता है कि संसाधनों के अभाव में खेलना कितना चुनौतीपूर्ण है। जब मैंने जिन साधनों से मैं वंचित रहा हूं अपने खेल टाइम में, मैंने उन साधनों को आगे अपने एक ही बात दिमाग में थी कि जिन साधनों को मैं नहीं कर पाया उनको आगे मैं बच्चों को पहुंचाऊं और उसी कड़ी में मैं आगे काम कर रहा हूं। इसमें सुविधाएं हम अभी इसमें डे नाइट मैच के लिए फ्लड लाइट लगवाने का काम करेंगे और ग्रासी ग्राउंड जैसे कि हो ही चुका है इसको हम पूरी शिद्दत से मेंटेन करेंगे हमेशा। और भी जो इसमें खेल आएंगे जैसे वॉलीबॉल आ ही चुका है, फुटबॉल आ ही चुके, और भी हम नर्सरी वगैरह खुलवाने का इसमें काम करेंगे। युवा अवस्था में उन्होंने बेहद करीब से देखा कि कैसे गांव की उन प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला जिनके पास जोश और जज्बा तो था लेकिन संसाधन नहीं थे। उन्होंने कहा कि इस स्टेडियम के माध्यम से मैंने अपने दादा पंडित सुखपाल शर्मा जी के सपने को पूरा करने का प्रयास किया। हम चाहते हैं कि बच्चे मोबाइल की दुनिया से बाहर निकलकर खेल में अपना समय दे। चलिए उम्मीद करते हैं कि स्टेडियम युवाओं के लिए खेल में आगे बढ़ने में कामयाबी दिलाएगा।